करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी डेली या फिर वीकली करंट अफेयर्स वीडियोज देख सकते हैं इससे पहले दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं तो ये सीरीज का पार्ट थ्री है साथ ही इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मेटेयल है आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टडी जी प्रोवाइड कराते हैं जैसे भी मेटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा हमारे पी डी एफ यदि संबंधित आपको कोई भी डाउट है कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ अ न्यू वेपन सिस्टम्स ब्रांच फॉर विच आर्म ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज भारत सरकार ने भारतीय सशस्त्र बलों की इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना शाखा के लिए एक नई हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दी है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेटेड ऑन विच डे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ग्यारह अक्टूबर को मनाया जाता है ज द रीजनल ऑफिस वेस्ट ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारामन केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम का उद्घाटन मुंबई में किया है थ्री एसिपियंट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र में 2022 के नोबेल पुरस्कार के तीन प्राप्तकर्ताओं में से एक नहीं है सही आंसर ऑप्शन ए है पॉल मिलग्रॉम विच विल नाउ बी द सेकेंड इंडियन एयर कैरियर टू अलाउ पैसेंजर्स ब्रिंग पैट्स विद ऑन बोर्ड फ्लाइट्स यात्रियों को अपनी उड़ानों में पालतू जानवर को अपने साथ लाने की अनुमति देने वाला अब दूसरा भारतीय हवाई वाहक आकाशा एयर होगा

संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास की मेजबानी कर रहा है। विशाल किसान सम्मेलन बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड सहकार भारती इन स्टेट स्वच्छ गंगा और सहकार भारती के राष्ट्रीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला हरियाणा राज्य में आयोजित की गई है फॉलोइंग रिलीज एन ऑर्डर पुटिंग अक्सपर्ट ऑफ मैप्स एंड यूर स्पेशल डेटा रिलेटेड टू सेंसिटिव इंस्टॉले सो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने संवेदनशील प्रतिष्ठानों से संबंधित मानचित्रों और भू स्थानिक डेटा के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया अंडर सेक्शन एक्ट ट्वेंटी थर्टीन द कंट्रीज सी आर एस स्पिंग वॉज टेन थाउजेंड सिक्स करोड़ रुपीज इन ट्वेंटी इट वॉज अब मार्क इन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि सीएसआर शासन स्थापित किया गया था देश का सीएसआर खर्च दो हजार में दस करोड़ था यह दो हजार में चौबीस हजार रुपए के आंकड़े से ऊपर रहा Using यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कैरिड बाई द सेकंड मून मिशन चंद्रयान टू have mapped out the global distribution of which chemical element on the मून surface. दूसरे चंद्रमिशन चंद्रयान 2 द्वारा किए गए एक उपकरण का उपयोग करते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की सतह पर सोडियम तत्व के वैश्विक वितरण का मानचित्रण किया है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स हैज in विच क्रिकेटर एज इट्स न्यू ब्रांड ambassador. गल्फ ऑयल lubricants ने

यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरीटेडी फर्स्ट एनुअल से इंडियन रोड कांग्रेसिटी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय सड़क कांग्रेस के इक्यासीवें वार्षिक सत्र का उद्घाटन लखनऊ शहर में किया है डेलीहट पार्टनर विद विच ऑफ टू ब्रिंग क्यूरेटेड न्यूज इनसाइट्स टू इट्स यूजर डेलीहंट ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए क्यूरेटेड समाचार अंतर्दृष्टि लाने के लिए लिंक्ड के साथ भागीदारी की है

उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव फॉर्मर उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव पास टू इन विच ईयर वॉज द समाजवादी पार्टी फाउंडेड बाय हिम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का बयासी वर्ष की आयु में निधन हो गया समाजवादी पार्टी की स्थापना उनके द्वारा किस वर्ष की गई थी सही आंसर उन्नीस सौ बयानवे है विच स्टेट हैज प्रोमोगेटेड एन ऑर्डिनेंस टू प्रोहिबिट ऑनलाइन गैमलिंग एंड रेगुलेट ऑनलाइन गेम्स

हिमाचल प्रदेश में एक जल क्रीडा सेलिब्रेटेड विश्व गठिया दिवस अक्टूबर को मनाया जाता है। मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में महाकाल लोक गलियारे का उद्घाटन किया अपॉइंटेड एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में दिनेश कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है वट इज द नेम ऑफ द थ्री मेंबर कमीशन हेडेड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू एग्जामिन द सेंसिटिव इशू ऑफ एक्सटेंडिंग स्टेटस टू ऑल हु हैव हिस्टोरिकली सफर डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचिलिटी ऐतिहासिक रूप से भेदभाव और अस्पृश्यता का सामना करने वाले सभी लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के संवेदनशील मुद्दे की जांच करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्य आयोग का नाम बालाकृष्णन कमेटी है या कमीशन है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी लॉन्च विच ऑटोमोटिव मैन्युफेक्चर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पायलट प्रोजेक्ट ऑन फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में टोयोटा ऑटोमोटिव निर्माता की फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक्स व्हीकल पर अपनी तरह की पहली पायलट परियोजना का उद्घाटन किया।, in in किया गया देंटर हैज सेट अगेट ऑफ फोर्टी परसेंट रिडक्शन इन पार्टिकुलेट मैटर कॉन्सेंट्रेशन इन सिटीज कवर्ड अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बाय विच एयर केंद्र ने 2026 तक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत आने वाले शहरों में कणों की सान्द्रता में 40 प्रतिशत की कमी का नया लक्ष्य निर्धारित किया है विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च एजुकेशन फॉर पॉइंट रिपोर्ट सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एजुकेशन फॉर पॉइंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइन एमओ यू फॉर एकेडमिक स्टैब्लिशमेंट अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जापान

फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी रहा फोर्थ इन्वेस्टर्स एनआईसीडीसीबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड चौथा एनआईसीडीसी निवेश गोलमे सम्मेलन मुंबई शहर में आयोजित हुआ रेसिंग डे ऑफ टेरिटोरियल आर्मी वॉज से प्रादेशिक सेना का तेहत्तरवा स्थापना दिवस नौ अक्टूबर को मनाया गया Who inaugurated फिक्कीज 16th annual healthcare conference, कॉन्फ्रेंस फिक्की हील 2022 ट्वेंटी टू विदीम हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइविंग इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ फिक्की के सोलवे वार्षिक हेल्थकेयर सम्मेलन फिक्की हील 2022 का उद्घाटन जगदीप धनकर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है <coughs> माफ कीजिएगा इनके द्वारा किया गया जिसका विषय हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइविंग इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ था टेलीमानस इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री टेलीमानस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स की एक पहल है फीफा अंडर सेवनटीन वीमेंस फुटबॉल कप 2022 ट्वेंटी टू एड विच स्टेडियम फीफा अंडर सेवेंटीन महिला फुटबॉल विश्व कप ट्वेंटी का उद्घाटन कलिंगा स्टेडियम में हुआ है वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट सिंपोजियम ट्वेंटी ट्वेंटी टू इनोग्रेटेड यूनिवर्सिटी वाडा एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोसी ट्वेंटी का उद्घाटन न्यू में हुआ इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन इज ऑन डे आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस तेरह अक्टूबर को मनाया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एलोटेड विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स एज द पार्टी नेम फॉर द शिवसेना फैक्शन लेड बाय एक नाथ सिंधे भारत चुनाव के चुनाव आयोग ने एक नाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के लिए पार्टी के नाम के रूप में बाला साहेबंशी शिवसेना नाम आवंटित किया है इंडिया जियो स्पेशल इकोनॉमी अर्थव्यवस्था दो हजार पच्चीस की उम्मीद है PPP, मंच ने निजी सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से कृषि नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन प्रस्ताक्षर किया

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए अपनी अगली पीढ़ी की संपर्क केंद्र सेवा का अनावरण किया है आदर्श सोएगा आदर्श सोएगा अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री आदर्श सोएगा को कुवैत देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है द टेंथ मीटिंग ऑफ द यू इंडिया हाई लेवल ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट टूक प्लेस यूनिवर्सिटी निवेश पर संयुक्त अरब अमीरात भारत उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की दसवीं बैठक मुंबई में हुई है 53rd Capacity Building Program in the Field Administration for the Civil Servants of which country was inaugurated at National Centre for Good Governance at Masuri. So, Bangladesh ke civil the field is not a very good thing. A revised action plan called GRAP was initiated to fight the pollution in New Delhi and the National Capital Region, but is a full form of GRAP. नई दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के लिए जीआरएपी नामक एक संशोधित कार्य योजना शुरू की गई जीआरएपी का फुल फॉर्म है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यूनियन मिनिस्टर फॉर हैवी इंडस्ट्रीज डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे पांडेटेड कॉन्फ्रेंस ऑन इंडस्ट्री फोर पॉइंट टो चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड एट विच प्लेस केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडे ने केवड़िया गुजरात में उद्योग 4.0 भावी चुनौतियां और आगे की राह का उद्घाटन किया विच एजेंसी ऑर्गेनाइज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रोजेक्ट मौसम जलाधि यात्रा एक्सप्लोरिंग क्रॉस कल्चरल लिंकेजेस अलोंग द इंडियन ओशन रिम कंट्रीज सो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट मौसम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन जलाधि पुरायात्रा हिंद महासागर रिम देशों के बीच बहुसंस्कृति संबंधों की खोज आयोजित किया फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ नागालैंड स्टेट कमीशन फॉर वीमेन डॉक्टर तेमसुला तेमसुला ए ओ पास अवे इन विच ईयर विचार्ड शी अवॉर्डेड पद्मश्री नागालैंड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर तेमसुला एओ का निधन हो गया है उन्हें साल 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था हु वोन एन इंटरनेशनल अवार्ड फॉर ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन पारंपरिक पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार वजाहत हुसैन ने जीता है विच ऑफ एन एम विद यू विध फॉर आई सी टी एंड डिजिटल सोल्यूशन सो एन एम डी सी ने आई सी टी और डिजिटल सोल्यूशन के लिए रेलटेल के साथ समझौते मेरे पास हस्ताक्षर किए हैं विच फुटबॉलर रिसेंटली स्कोर द सेवन हंड्रेड क्लब गोल ऑफ इज इलस्ट्रियस कैरियर इन अ मैच अगेंस्ट एवर्टन हाल ही में एवर्टन के खिलाफ मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने शानदार करियर का सात सौवा क्लब गोल किया अमित शाह हाई स्टेचूफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात अमित शाह ने बिहार की सारण जिले में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की चौदह फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू परम कामरूप पर सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी एट विच आई भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आई गुवाहाटी में परम कामरूप पर सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया इंडियन नेवी सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान ने प्रस्थान का आयोजन किया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लॉजिस्टिकल मावल पोलो इज एसोसिएटेड विद विच इंस्टीट्यूशन हाल ही में पोलो मोरो ने भारत की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना को लॉजिस्टिक करार लॉजिस्टिक चमत्कार करार दिया है पोलो

मुद्रा कोष ने अनुमान लगाया कि वैश्विक विकास 2021 में 6% प्रतिशत से धीमा होकर 2022 में 3.2% प्रतिशत हो जाएगा विच इंडियन नेवल शिप रीस्ट पोर्ट एलिजाबेथ इन साउथ अफ्रीका टू पार्टिसिपेट इन द सेवंथ एडिशन ऑफ इप्सामर मारीटाइम एक्सरसाइज इप्सामर समुद्री अभ्यास के सातवें संस्करण में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना जहाज आई एन दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ पहुंचा है थर्टी सेवंथ नेशनल गेम्स इन अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अक्टूबर दो हजार तेईस में गोवा राज्य सैंतीसवे राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा पंकज आडवाणी है ट्वेंटी ट्वेंटी टू आई बी एस एफ वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप सिटी पंकज आडवाणी ने क्वालमपुर शहर में आयोजित ट्वेंटी ट्वेंटी टू आई बी एस एफ विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है

दो हजार बाईस में भारतीय रिजर्व बैंक ने पुणे शहर स्थित सेवा विकास सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे से विश्व मानक दिवस चौदह अक्टूबर को मनाया जाता है इंडिया हॉस्टेड द मीटिंग ऑफ हॉस्टल वर्किंग ग्रुप ऑन हायर एजुकेशन विद कंट्री इन न्यू डेली भारत ने नई दिल्ली में नॉर्वे देश के साथ उच्च शिक्षा पर संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक की मेजबानी की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर द न्यू इंडियन हाई कमीशन इन सिटी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वेलिंगटन शहर में नए भारतीय उच्चायोग चांसरी का उद्घाटन किया है न्यू डेली और न्यूजीलैंड में Which bank bagged a world record for staging and swinging the highest 101 angels? किस bank ने सर्वाधिक 101 उंजलों का विश्व रिकॉर्ड बनाया सही आंसर ऑप्शन डी साउथ इंडियन बैंक है Which country has launched its Soyuz 2.1B rocket carrying the GLONASS K navigation system? So Russia ने GLONASS K navigation system ले जाने वाला अपना Soyuz 2.1B rocket launch किया वट इज द मिनिम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अपट रिकंस्ट्रक्शनिंग टू द आरबीआई नोटिफिकेशन आरबीआई की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की स्थापना के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता 300 करोड़ रुपए है न्यू स्की प्राइमस्टर डेवलपमेंट इनिशियेटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन फॉर द रिमेनिंग फोर ईयर्स ऑफ द फिफ्टीन फाइनेंस कमिशन फ्रॉम ट्वेंटी मंत्रिमंडल ने छियासठ सौ करोड़ रुपए के परिवहन के साथ 2022-23 से 2025-26 तक छब्बीस पंद्रहवें वित्त आयोग के शेष चार वर्षों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहलिए फंड नागरिकों को सशस्त्र बल कोष में योगदान करने में सक्षम बनाने के लिए माँ भारती के सपूत नामक वेबसाइट शुरू की गई इनटेड त्रिपुरा स्टेट जुडिशियल स्टोन फॉर त्रिपुरा नेशनल

तमिलनाडु so, राज्य ने भारत का पहला सिलेंडर डोर इस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है नरेंद्र मोदी अम्ब अंदौर इन हिमाचल प्रदेश एंड न्यू डेली हाउ मेनी अचीवर्स अकॉर्डिंग टू द लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू के अनुसार पंद्रह राज्यों शासित प्रदेशों को अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है विश ऑफ द following has एन signed यू विद के प्लस एस मिडिल ईस्ट एफ सेट ई डी एम सी सी सो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर ने हाल ही में के प्लस एस मिडिल ईस्ट ए एफ जे माफ कीजिएगा के प्लस एस मिडिल ईस्ट एफ सेट ई डी एम सी सी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं द कंपिटन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्ड अमेल कमिशन ऑफ जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड एंड बांग्ला इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड विद विच कंपनी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट के साथ जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड और बांग्ला इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के समामेलन को मंजूरी दी है साथ ही गाइस आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट को जैसे हम आप सभी डालते रहते हैं साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेट दी गई है इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ फेलो एसफ्रेंड साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा थैंक यू गाइज